त्रिताल में कुल 16 मात्रा होते हैं, 1/5 13 ताली, 9वीं मात्रा खाली। और दोस्तों इनके ठेके के बोल हैं, आप इनके ठेके के बोल नोट कर लेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन था, ता धिन धिन धा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बजाना सीखते हैं, फिर इनके अलग अलग वेरिएशन बजाना सीखेंगे। ठीक है, और बनाना भी सीखेंगे कि कैसे वेरिएशन को बनाया जाता है और कैसे बजाया जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे बजाना सीखते हैं, देखिए कैसे बजाना है। चाटी और स्याही के, चाटी और लौ के बीच में इस फिंगर को रखेंगे, यहाँ स्याही, ये वाला बीच भाग जो है यहाँ, इस फिंगर को ठहराएंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा। फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करेंगे, जब चाटी पर आघात करेंगे तो ये फिंगर तबले से नहीं उठना चाहिए अनामिका। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा ता, तगे पर जाएंगे घेस, दोनों को एक साथ आघात करेंगे था। ठीक है, चाटी पर ना डगे पर था, धिन लौ पर तीन डगे पर घे, ये हो जाएगा धिन। ठीक है, आप सुन रहे होंगे तो ये हो जाएगा था धिन धिन था। ठीक है, था धिन धिन था, था धिन धिन था, धिन लौ पर तीन डगे पर घे धिन। ठीक है, धा धिन धिन धा, था धिन धिन था। उसके बाद था तिन तिन था, धा तिन तिन था, कैसे बजाएंगे, चाटी पर ना डगे पर घे धा, तीन लौ पर तीन, फिर तीन फिर ता, तीन तीन ता, फिर ता तीन तीन ता। तो गेस करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए इसे सारे बोल को एक साथ बजा करके सुना देते हैं आपको। ठीक है, धा तीन तीन धा, धा तीन तीन धा, धा तीन तीन धा, धा तीन तीन धा। ठीक है, तो अब हम लोग इनके अलग अलग वेरिएशन सीखते हैं, कैसे वेरिएशन बनाना। सबसे पहले तो आप एक वेरिएशन बोल लिखेंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तेट धिन धिन धा, धा तिन तिन ता। जहाँ ता धिन धिन धा लगाते हैं वहाँ ता के जगह पर अभी हम तेटे का प्रयोग किए, तो तेटे धिन धिंदा हो गया। ठीक है, इसी के जगह पर फिर आप त्रिकिट का प्रयोग करेंगे, तो त्रिकिट धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा तिन तिनता, त्रिकिट त्रिकिट धिंदा, त्रिकिट धिंदा यानी त्रिकिट, तो ये दो मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिकिट धिंदा आप इस प्रकार से यानी लगा सकते हैं, त्रिकिट धिन धिंदा, त्रिकिट धिंदा। हम आपको बजा करके सुनाते हैं और बजाना भी बता देते हैं कैसे बजाना है। ठीक है, हाँ चाटी पर ना डगे पर घे, हाँ धिन लौ पर तीन डगे पर घे, तेटे से आई के बीच में तेटे तेटे धिन धिन धा, सारे बोल को बजाएंगे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तेटे धिन धिन धा। समझ गया, तो कैसे बजाना है, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, तिट धिन धिन धा। तो इस प्रकार से आपको इसे बजाना है और तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप एक और वेरिएशन लिखेंगे जिनके बोल हैं, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, तिर किट धिन धा। तो यहाँ हो जाएगा तिर किट धिन धा, तिर अलग किट अलग फिर धिन धा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कैसे बजाएंगे, चाटी पना डगे पर, ये हो जाएगा धिन लौ पर तीन डगे पर घे, ये हो जाएगा क्या धिन धा धिन, फिर धिन धा लौ पर तीन डगे पर घे धिन, फिर धा, फिर धा धिन लौ पर तीन डगे पर घे धिन धिन धा, फिर धा तीन तीन धा, चाटी पना डगे पर घे धा तीन लौ पर तीन तीन धा। ठीक है, उसके बाद त्रिकिट धिंदा, तो त्रिकिट धिंदा, त्रिकिट धिंदा, सारे बोल को बजाएंगे धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, धा धिन धिंदा, त्रिकिट धिंदा।
अब हम लोग त्रक धिन धिंदा इसमें लगाएंगे, त्रक धिन धिंदा, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन धा त्रक धिन धिंदा। कैसे बजाएं, चार टिप्पणी डगे पर किए धा, लॉक पर तीन डगे पर किए धिन फिर धा, ठीक है, धा धिन धिन धा फिर धा धिन धिन धा फिर धा, तीन लॉक पर तीन, यहाँ तीन तीन ता, चार टिप्पणी बजाते हैं, रह के साथ ये हो जाएगा क, त्रक, दोनों को एक साथ आघात कर रहा है, त्रक 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 धा, समझ गए, सारे बोल को बजाएंगे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा, कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। अब सारे वेरिएशन को एक साथ बजा करके आपको सुनाते हैं, ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में तबले से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट में बताएं। और दोस्तों यदि आपको शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं आप लोग, तो आप हमारे नंबर पे कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देकर आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, तो आप
इस माध्यम से आप ऑनलाइन तबला क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और शुरुआती से आप तबला सीख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देखते होंगे कि मैं अब लाइव भी आता हूँ, लाइव क्लास देता हूँ, तो आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ करके भी आप तबला सीख सकते हैं। और मेरे लाइव क्लास का जो टाइमिंग है वो है 2:30 से लेकर के और 4 के बीच में, ठीक है। तो आप हमारे इन टाइमिंग पर आप आकर के और ज्वाइन करके आप लाइव क्लास आप तबला सीख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अलग लेसन के साथ, उसमें हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे बजाना सीखें। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय सियाराम।